सबसे पहले बात करेंगे राजीव गांधी हत्याकांड की। इस हत्याकांड के 6 दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश के बाद इन 6 दोषियों को रिहा कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोषी करार दिए गए पेरारी वलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। इससे पहले मई महीने में पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अगर इन दोषियों पर कोई दूसरा मामला नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया है तो हम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन 6 दोषियों को रिहा कर दिया। तो आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कुछ कहा है। राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपी रिहा हो जाएंगे, जिन्हें रिहा कर दिया गया है। 3 दशक से ज्यादा समय से ये सभी दोषी जेल में बंद थे। सजा के दौरान दोषियों का बर्ताव अच्छा रहा, पढ़ाई, डिग्री हासिल करना, बीमार होने का भी जिक्र किया गया। वहीं नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जय कुमार और रॉबर्ट पॉइस दोषी थे, जिन्हें आज रिहा कर दिया गया। तो बता दें कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या की गई थी। राजीव गांधी तमिलनाडु में एक चुनावी रैली में पहुंचे थे, जहां 21 मई 1991 को आत्मघाती हमले में उनकी मौत हुई थी। इस हादसे में 18 लोगों की भी मौत हुई थी। वहीं इस पूरे मामले में कुल मिलाकर 41 लोगों को आरोपी करार दिया गया था। 12 दोषियों की मौत हो गई थी, 3 फरार थे, बाकी 26 पकड़े गए थे और इसमें श्रीलंकाई और भारतीय नागरिक शामिल थे। और अब इस कोर्ट केस की अगर हम बात करें जिसमें आज 6 दोषियों को रिहा किया गया है, इसमें कब कुछ क्या क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। हत्या के 7 साल बाद टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 28 जनवरी 1998 को ये फैसला सुनाया गया था। 1000 पन्नों का ये फैसला था। सभी 26 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसमें 19 आरोपी पहले ही रिहा हो चुके थे। ये फैसला टाडा कोर्ट ने ही दिया था। टाडा कोर्ट के फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद 1 साल का समय लगा। 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैसले को ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 दोषियों को रिहा कर दिया। सिर्फ 7 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया था और बाद में फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया गया था। वहीं इसी साल मई में पेरारी वलन को कोर्ट से रिहाई मिली थी, जिसके बाद अन्य 6 दोषियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए।